खबर टीकमगढ़ से है, जहां टीकमगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सागर आईजी ने थाना प्रभारियों के लिए बैठक दिया आवश्यक दिशा निर्देश। 2 दिवसीय टीकमगढ़ प्रवास के दौरान सागर आईजी अनुराग ने टीकमगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में गुरुवार की दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त थाना प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया, SDOP कृष्णपाल सिंह के साथ समस्त थाना प्रभारियों को जिले में लॉ एंड ऑर्डर की लचर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं महिला अपराधों पर नियंत्रण करने एवं आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित करने के साथ ही वर्षों से चल रहे लंबित प्रकरणों में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं उचित कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त पत्रकारों से रूबरू हुए एवं साथ ही टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2007 में पुलिस अधीक्षक के रूप में दी गई सेवाओं को याद किया। आज हमारी मीटिंग हुई, सभी थाना प्रभारी भी यहाँ आए थे और इस मीटिंग में मुख्य रूप से जितने भी गंभीर अपराध हैं, हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, बड़ी चोरियाँ, बलात्कार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और वीकर सेक्शंस के विरुद्ध अपराध, उन सारे अपराधों जो पेंडिंग बचे हुए हैं जिसमें आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, उसकी समीक्षा की गई और इस संबंध में उन लोगों को थोड़ा दिशा निर्देश भी दिया गया कि जो भी भागे हुए हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन बचा हुआ है, टीम बना के वैसे फरारी या फिर भागे हुए अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े और समय सीमा में सारे प्रकरणों का निराकरण करके न्यायालय में चला दें। इसके अलावा चिन्हित अपराध पर भी हम लोग विशेष रूप से जोर देते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमारा पर्पस रहता है कि जल्द से जल्द विवेचना करके और ट्रायल भी जल्द से जल्द पूरा करें। चिन्हित प्रकरणों को भी हमने SDOP को, एडिशनल SP को, SP साहब को भी हमने बताया कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और अगर कोई इसमें आरोपी बरी हो जाता है तो उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका समीक्षा करें और अकॉर्डिंगली नियम के हिसाब से कार्रवाई करें। इसके अलावा महिलाओं के प्रति और वीकर सेक्शंस के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको बढ़ाई जाए और संवेदनशील रहे और संवेदनशील रह के उनके समस्याओं का को सुने और उसका निराकरण करें। आने वाले समय में जो कानून व्यवस्था वाली जो कुछ त्यौहार आने वाले हैं, कुछ त्यौहारों पर विशेष रूप से ध्यान रखें, महाशिवरात्रि है, होली है, सभाएं बरात है, उन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ों की जरूरत है, शांति समिति की बैठक लेनी है, लोगों से बात करनी है, करें ताकि ये त्यौहार सभी त्यौहार अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में इसका संपन्न हो सके। अवैध गतिविधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि इसका हर महीने समीक्षा होती है शासन स्तर पर, जिसमें शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई, अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई, मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई, जुआ सट्टा करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई, इन सब चीज़ों पर कार्रवाई के लिए हमने यहाँ के अधिकारियों को निर्देशित किया है, इसमें वो कार्रवाई करेंगे और जो भी पुलिस से रिलेटेड जितने भी मैटर आते हैं, उन सब मैटर को कोई शिकायत आती है या फिर जो भी अपराध होता है, उसका नियम के हिसाब से फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और किसी तरह का पार्शियल व्यू नहीं रखें, ये हमने निर्देशित किया। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।